Good morning, everyone. Last class we had given you a brief introduction about income tax, right? So today we will be taking you to one of the head of income, that is income from house property, right? मैंने आपको लास्ट डे बताया था इनकम टैक्स क्या होता है. इनकम टैक्स मैंने आपको ये भी बताया कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस होता है. देन इनकम टैक्स लॉ में क्या क्या चीज आता है, एक्ट, रूल्स, फाइनेंस एक्ट, सर्कुलर नोटिफिकेशन, केस लॉस. इनकम या तो एग्जेम्प्टेड होगा या टैक्सेबल होगा. ऑल द एग्जेम्प्टेड इनकम्स आर मेंशन्ड इन सेक्शन 10. एंड अगर इनकम टैक्सेबल है तो इट विल बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू फाइव हेड्स ऑफ इनकम, राइट? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी एंड कैपिटल गेन्स, एंड देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. ओके, ऑनलाइन इज इट ऑडिबल? Sahil, can you see the screen? No, sir, I can't see the screen, but I can see you. No, you must be able to see my screen. Can you see now? Yes, it's visible now. Okay. सो पांच हेड ऑफ इनकम है. तो हम लोग आज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी करेंगे. राइट, मैंने आपको काफी सारा चार्जेबिलिटी कंडीशंस बताया था. सैलरी का सेक्शन 15 है चार्जेबिलिटी, राइट? 17 नहीं है, 17 इज द डेफिनेशन फॉर सैलरी. सेक्शन 15 बोलता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए. देन वी डिड हाउस प्रॉपर्टी में इनकम कब चार्जेबल होगा, क्योंकि सारे हेड का कंप्यूटेशन डिफरेंट होता है, राइट? किसी हेड का कंप्यूटेशन सेम नहीं है, राइट? ऑल द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स विल बी डिफरेंट. तो इसीलिए अपने को सबसे पहले इनकम क्लासीफाई करना पड़ेगा कि वो, अगर वो एग्जेम्प्ट है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. इफ इट इज टैक्सेबल तो वो कौन से हेड में टैक्सेबल है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, राइट? तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो रहा है, देन इन दैट केस वो सैलरी में जाएगा. अगर हाउस प्रॉपर्टी वाला कंडीशन सेटिस्फाई किया तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा. बिजनेस इनकम, राइट? एंड कैपिटल गेन, एंड देन रेसिडुअरी हेड ऑफ इनकम इज अदर सोर्सेस. सो टुडे वी विल डू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, राइट? सो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का चार्जेबिलिटी सेक्शन क्या है, ये मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया है. चार्जेबिलिटी सेक्शन 22, राइट? इनकम विल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड income from house property if all of the following conditions are satisfied. अगर सारे कंडीशन सेटिस्फाई होंगे then income will be chargeable to tax under the head हाउस प्रॉपर्टी. सबसे पहला कंडीशन क्या बोलते हैं, एसएससी. एसएससी मतलब हु इज लायबल टू पे टैक्स. एसएससी मस्ट बी द ओनर. हम लोग इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैंने आपको बता दिया है. अगर मैंने सबलेटिंग किया है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, राइट? सो डू नॉट हैव टू वरी, राइट? एसएससी मस्ट बी द ओनर. There must be building. अगर मैंने कोई अदर एसेट भाड़े पे दिया है या लैंड हमने भाड़े पे दिया है, राइट? इफ आई हैव गिवन सम अदर एसेट, से फॉर एग्जाम्पल मैंने एसी भाड़े पे दिया है या गाड़ी भाड़े पे दिया है, आई एम इन द मैं रेंट अ कैब ऑपरेटर हूँ, राइट? अगर इस टाइप का कोई चीज है, राइट, देन इन दैट केस वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, राइट?
सॉरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा या पीजीबीपी में जाएगा अगर मेरा उसका ट्रेड लाइसेंस भी है तो बिल्डिंग को छोड़ के अगर मैं और भी कोई चीज भाड़े पे दे रहा हूँ तो वो हाउस प्रॉपर्टी में, हाउस प्रॉपर्टी मतलब देयर हैज टू बी बिल्डिंग। मैंने एक जमीन भाड़े पे दिया है, मैंने एक जमीन भाड़े पे दिया है तो इन दैट केस क्या होगा, वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगा क्योंकि वो लैंड है खाली। मैंने एक जमीन लैंड को भाड़े पे दे दिया, राइट, मैंने एक लैंड को भाड़े पे दे दिया तो इन दैट केस वो हाउस प्रॉपर्टी, तो बिल्डिंग होना जरूरी है। तो रेंटल इनकम फ्रॉम लैंड अदर एसेट्स एक्सेट्रा विल नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इधर पीजीबीपी। अगर मेरा धंधा इसी चीज का कि मैं गाड़ी भाड़े पे देता हूं, आई एम इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट कार, मेरे पास ट्रेड लाइसेंस भी है, तो मेरा पीजीबीपी में जाएगा। और एल्स इनकम फ्रॉम आईओएस। तो अगर हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा तो दूसरे हेड में जाएगा। अगर मेरे पास उसका बिजनेस का लाइसेंस है, आई एम इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग, मेरा लेटिंग का ही मेन बिजनेस है, राइट, ओके, सो आई मस्ट बी द ओनर, पहला बात, ऑल बोल दिया। अगर सारा कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब इनकम विल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सबसे पहला आई मस्ट बी द ओनर, देयर हैज टू बी बिल्डिंग, लैंड भाड़े पे दिया, अदर एसेट एसी मोटर कार फर्नीचर विल नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर आईएचपी, आईएफएचपी में चार्जेबल नहीं होगा। अगर मेरे पास ट्रेड लाइसेंस है, आई मीन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट मोटर कार फर्नीचर ये सब, तो पीजीबीपी, अदरवाइज आईएफओएस। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी should not be used for business benefits, right? अब मैं आपसे एक टंग ट्विस्टर खेलता हूं। मैंने किसी को भाड़े पे दिया, वो बंदा बिजनेस कर रहा है, right? मैंने एक्स ओनर है, एक्स के पास में एक बिल्डिंग है, फ्लैट जो भी, इसको लेट आउट किया है वाई को, वाई इज यूजिंग इट फॉर बिजनेस। बोलो कंडीशन नंबर थ्री सेटिस्फाई हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ ऑनलाइन? कंडीशन नंबर थ्री सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ? हंड्रेड एंड टेन परसेंट हुआ है। व्हेन आई एम सेइंग प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर बिजनेस बेनिफिट, मतलब ओन, मैं थोड़ी यहां धंधा कर रहा हूं, टेनेंट भाड़े पे लेके कुछ भी करे, धंधा करे, उस पे रहे, कुछ भी करे, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मेरा अपना पर्पस देखा जाएगा, क्या मैं इसको अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है राइट, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी। टेनेंट तो लेके यूज करेगा ही ना, तो टेनेंट का बिजनेस से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। टेनेंट उसमें रेसिडेंशियल यूज के लिए ले, कमर्शियल यूज के लिए, मेरे को मतलब नहीं है। अगर मैं अपने प्रॉपर्टी में धंधा कर रहा हूं, खुद का धंधा, तो ये मेरा बिजनेस इनकम माना जाएगा, रेंटल इनकम नहीं माना जाएगा, बिकॉज माई ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू गेट रेंट। आज ये मेरा अपना जगह है, वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस प्लेस, रेंटल इनकम और बिजनेस प्रॉफिट, बिजनेस प्रॉफिट सर,
मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि महीना का लाख रुपए आ जाए चल जाएगा मेरा घर, ये प्रॉपर्टी अगर मैं किसी को भाड़े पे दे देता, सामने वाला कुछ धंधा कर रहा होता, बात अलग था, तब मेरा हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। तो टेनेंट का पर्पस नहीं देखना, ओनर का पर्पस नहीं। मेरा अगर मैं अपना बिजनेस में अगर यूज कर रहा हूं तो ये मेरे लिए बिजनेस इनकम माना जाएगा, अदरवाइज रेंटल इनकम है। टेनेंट का पर्पस इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो ये हमारे लिए इररिलेवेंट है। ये वाला पॉइंट जो है ना, ये इररिलेवेंट है। Is it fine? Clear? चलो next. एक और condition है, प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, बिल्डर की, प्रमोटर्स की, राइट? तो मेरा मैंने ये प्रॉपर्टी अपने पास रख रखा है किस लिए, रीसेल करने के लिए ना। तो दो साल तक सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लीशन का, दो साल तक जिस साल मेरे को सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लीशन मिला है, राइट, दो साल तक टैक्स नहीं लगेगा। फॉर टू ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इज obtained from the competent authority. तो दो साल तक ना नो टैक्स, उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। हालांकि मेरा पर्पस इसको रीसेल का है, रीसेल मतलब आई मीन द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टी, चीज को समझो, फिर भी ये मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। तो दो साल तक टैक्स नहीं लगेगा, उसके बाद वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लगेगा, राइट? अभी मैं आपको कंप्यूटेशन का फॉर्मेट बताता हूं। तो चार कंडीशन आपको मालूम है, चार्जेबिलिटी सेक्शन 22 का, राइट? एसएससी को ओनर होना पड़ेगा, बिल्डिंग होना चाहिए, प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर बिजनेस बेनिफिट, एंड
प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड. नाउ धीरे धीरे हम लोग पेस पकड़ेंगे, राइट. अब इसका जो कंप्यूटेशन फॉर्मेट है ना वो आपको समझना है. फिक्स चाहिए फॉर्मेट, माथा नहीं लगाना है आपको. ये जो कंप्यूटेशन का फॉर्मेट है ना, दिस इज फिक्स्ड. सबसे पहले हम लोग लेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसमें से लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स ऑब्लिक अदर टैक्सेस लेवाइड बाई लोकल अथॉरिटी. जैसे हमारे यहां पे कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, इसको करने से आएगा नेट एनुअल वैल्यू. लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24. ये पॉइंट ही नहीं है, सब सेक्शन ही है. स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा 30% ऑफ एनएवी. एनएवी मतलब नेट एनुअल वैल्यू. इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन बी, तो ये आएगा मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. राइट. अब ध्यान से सुनेंगे, ये वाला जो है ये पेमेंट बेसिस पे अलाउ होता है. मतलब अगर मैंने इस साल पुराने साल का अरियर भी पेमेंट किया है, राइट, इस साल अगर मैंने पुराने साल का भी अरियर टैक्स पेमेंट किया है वो भी डिडक्टिबल होगा. राइट, दिस इज पेमेंट बेसिस. म्युनिसिपल टैक्स को ही प्रॉपर्टी टैक्स बोला जाता है. उतना ही डिडक्ट होगा जितना ओनर पेड. अगर म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट टेनेंट कर रहा है तो वो डिडक्टिबल नहीं होगा. सर, ग्रॉस एनुअल वैल्यू का मतलब क्या हो गया? एक सॉर्ट ऑफ रेंटल इनकम है ना. ग्रॉस एनुअल वैल्यू का मतलब क्या होगा? एक सॉर्ट ऑफ भाड़ा. उसमें से आप जो प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है वो तो माइनस होगा. आज ये प्रॉपर्टी टैक्स क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि प्रॉपर्टी है बोल के देना पड़ रहा है, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड खर्चा हो गया. नेट एनुअल इनकम आएगा. अदर टैक्सेस में वाटर टैक्स आएगा, सीवरेज टैक्स आएगा. कॉर्पोरेशन और भी बहुत टाइप का टैक्स लगाता है. तो रेंटल इनकम से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे पेमेंट बेसिस पे. अगर पेड है वो भी पेड बाय ओनर होना चाहिए. तो इस साल मैंने पिछले दोनों साल का पेमेंट किया है तो तीन साल का एक साथ माइनस होगा म्युनिसिपल टैक्स. वो भी उतना ही पोर्शन जितना ओनर दिया है. राइट. नाउ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कई सारा खर्चा होता है. रिपेयर होता है, इंश्योरेंस ऑफ द प्रॉपर्टी होता है, राइट. अलग अलग टाइप का खर्चा होता है. सरकार क्या बोलती है? स्टैंडर्ड डिडक्शन दूंगा मैं आपको. ये जो लिस्ट है ना ये एग्जॉस्टिव नेचर का है. एग्जॉस्टिव
दिस इज रेंटल इनकम, ओनर पेड होना चाहिए, पेमेंट बेसिस. ये लिस्ट एग्जॉस्टिव का है. एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है? जो भी सेक्शन 24 में लिखा है वही माइनस होगा, इसके अलावा और कुछ भी माइनस नहीं होगा. रिपेयर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, राइट, और भी रेंट कलेक्शन चार्जेस, ये कुछ भी चीज माइनस नहीं होगा. ये सब इसी में मान लो. तुम खर्चा करो तो अच्छा, नहीं करो तो अच्छा, स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये. और अगर प्रॉपर्टी आपने लोन में लिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होगा, राइट. लेकिन एक चीज याद रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन अक्रूअल बेसिस पे होता है. क्या बेसिस पे होता है? अक्रूअल बेसिस, मतलब जिस साल का है उसी साल माइनस होगा. पैसा दिया हो नहीं दिया उससे फर्क नहीं पड़ता. इज इट फाइन एवरीवन? ये सब बेसिक बेसिक बातें हैं. जब हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी. नोट, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 इज exhaustive in nature and no other deduction shall be allowed apart from those mentioned in section 24. No deduction for repair and maintenance, insurance charges, rent collection charges, etc. Interest on loan is deductible only if loan is taken for repairs, renewals, construction, परचेज. मतलब जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन है, राइट, वो आपका रिपेयर, रिन्यूअल, परचेज, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होना चाहिए. क्लियर? तो ये सब और भी कई सारे बातें हैं जो हम लोग करेंगे धीरे धीरे. सो कंप्यूटेशन फॉर्मेट में अपने रेंटल इनकम लेंगे. सबसे पहले लेस म्युनिसिपल टैक्स ऑब्लिक अदर टैक्सेस. उसके बाद हमारा एनएवी आएगा. म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट बेसिस पे लेना है. ओनर पेड होना चाहिए, टेनेंट देगा तो नहीं चलेगा. स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन अक्रूअल बेसिस. डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 इज एग्जॉस्टिव इन नेचर.
No other deduction shall be allowed apart from those mentioned in section 24. कोई भी खर्चा उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है भैया. इंटरेस्ट लोन इज डिडक्टिबल ओनली इफ लोन इज टेकन फॉर रिपेयर रिन्यूअल परचेस कंस्ट्रक्शन. मान लो मैंने घर को गिरवी करके लोन ले लिया और उस पैसे को बिजनेस में यूज किया है, क्या इंटरेस्ट लोन डिडक्टिबल होगा? मेरे पास एक प्रॉपर्टी था, उसको गिरवी करके मैंने लोन लिया और उस पैसे को बिजनेस में यूज किया है, या उस पैसे से मैंने बहन की शादी करवा दी, नहीं होगा. चीज को समझो, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन लो, प्रॉपर्टी बनाने के लिए लोन लो, लेकिन प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके लोन लोगे वो कहां से डिडक्टिबल होगा? बनवाई में या खरीदाई में यूज करना होगा उस पैसे को, अदर पर्पस नहीं चलेगा. नो अदर पर्पस इज अलाउड. Is it fine? Right now, हो क्या सकता है? ट्वेल्व मंथ्स लेट आउट, टेन मंथ्स लेट आउट, टू मंथ वैकेंट, नाइन मंथ्स लेट आउट, थ्री मंथ्स सेल्फ ऑक्यूपाइड, खुद रह रहा हूं, हो सकता है ना भैया? हाँ, ग्राउंड फ्लोर सेल्फ ऑक्यूपाइड, फर्स्ट फ्लोर लेट आउट, सेल्फ ऑक्यूपाइड, डिफरेंट सिचुएशन हो सकता है ना, हाँ है ना? 12 महीना लेट आउट, 10 महीना लेट आउट, 2 महीना वेकेंट, 9 महीना लेट आउट, 3 महीना सेल्फ ऑक्यूपाइड, एरिया वाइज लेट आउट सेल्फ ऑक्यूपाइड, 12 मंथ्स पूरा सेल्फ ऑक्यूपाइड. चैलेंज क्या है मालूम है? अंडर डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट कैटेगरी, जो भी बोलो, जीएवी क्या होगा? इसका तो मैंने भाड़े पे दिया नहीं ना, निल होगा, निल निल. और वो भी एक पहले नियम था कि आप एक घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड बता सकते हैं, बाकी सारा घर आपका डीम टू बी लेट आउट माना जाएगा. मेरे पास 5 घर है, ओनली वन हाउस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रो, ओनली वन हाउस कैन बी क्लेम्ड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड, बाकी सारे घर को लेट आउट मानना पड़ता था.
लेकिन अब कानून बदल गया है, दो घर को आप सेल्फ ऑक्युपाइड दिखा सकते हैं, उसके बाद जितना भी घर है उसको डीम टू बी लेट आउट दिखाना पड़ेगा। तो यहां मैं लिख सकता हूं अप टू टू हाउस, above two, all will be considered as DLO, deemed to be let out. तो अब हम लोग एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने में टाइम स्पेंड करेंगे हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मेट में कुछ नहीं है दोस्त, पूरा फॉर्मेट में अगर दम है यहीं पे है। तो ये हमारा सिचुएशन वन, सिचुएशन टू, थ्री, फोर, फाइव। सवाल ये है कौन सा दो घर को सेल्फ ऑक्युपाइड दिखाएंगे और कौन सा दो को डीम टू बी लेट आउट, ये तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया सरकार। तो तुम तो उसी को डीम टू बी लेट आउट दिखाओगे जिसमें तुम्हारा रेंटल, जिसमें तुम्हारा टैक्स कम कैलकुलेट हो। ठीक है, सिचुएशन वन लेट आउट, थ्रू आउट द ईयर जी ए वी इक्वल्स टू हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड कैसे आएगा? ये समझना पड़ेगा ना हम लोग को। Higher of gross municipal value or fair rent, but restricted to standard rent. और एक्चुअल रेंट आएगा एनुअल रेंट
Is it fine, everyone? सपोज करो ये 90K है और ये 1 लाख है, तो जीएबी क्या होगा? बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? ये 110 है, ये 105 है और ये 90 है. What is gross municipal value? It is the annual rental valuation prescribed by municipal authorities. कि इस जगह का ये भाड़ा होना चाहिए. Fair rent is the rental capacity determined by income tax officers. कि इस locality का भाड़ा ये होना चाहिए. Standard rent is the rental earning capacity determined by Rent Control Act. तो अगर मेरे को कोई पूछे तो मैं बोल सकता हूं rental ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का क्या भाड़ा होना चाहिए? खाली म्युनिसिपल अथॉरिटी का बात सुनने से नहीं होगा, इनकम टैक्स ऑफिसर का भी बात सुनने से नहीं होगा और रेंट कंट्रोल एक्ट का भी खाली बात सुनने से नहीं होगा. प्रॉपर्टी को जब अपन भाड़ा में देते हैं, इन तीनों का बहुत बड़ा रोल है. म्युनिसिपल वैल्यूएशन पे प्रॉपर्टी टैक्स लगता है. अगर कोई लैंडलॉर्ड भाड़ा एक्सेप्ट नहीं करता है टेनेंट का, सपोज करो मैं लैंडलॉर्ड हूं, मैंने टेनेंट को बोला प्रॉपर्टी खाली करो, टेनेंट बोलता मैं नहीं करूंगा, और लैंडलॉर्ड भाड़ा भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है? कि लैंडलॉर्ड जब भाड़ा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो कल को वो कोर्ट में प्रूफ कर देगा ये बिना भाड़ा के रह रहा है, इसको निकालो यहां से. इसीलिए टेनेंट क्या करता है, रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत भाड़ा जमा देता रहता है. हम लोग के साथ भी ऐसा हुआ था, हम लोगों को बोला घर से निकलो, इतनी बड़ी फैमिली कहां जाएंगे, तो हम लोगों ने क्या किया, क्या किया हम लोगों ने, हम लोगों ने रेंट कंट्रोल एक्ट में भाड़ा देने लगे हम लोग. तो हमारा भाड़ा हर महीना जमा होने लगा. हमारा लॉयर बोला आप रेंट कंट्रोल एक्ट में भाड़ा जमा दीजिए, कम से कम लैंडलॉर्ड हम पे ये तो केस नहीं कर पाएगा कि हम भाड़ा नहीं दे रहे हैं. लैंडलॉर्ड चाहे तो उसको रिक्लेम करा सकता है रेंट कंट्रोल एक्ट के से. तो इस प्रॉपर्टी का क्या भाड़ा हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये. लोग क्या करेंगे, टैक्स बचाने का चक्कर में 50,000 रुपए प्रॉपर्टी का भाड़ा होना चाहिए, 20,000 कैश में दे दे, 30,000 अकाउंट में दे दे. कम भाड़ा अकाउंट में लेगा, उतना ही इनकम रिपोर्ट करेगा, कम टैक्स लगेगा. इसीलिए चिंता मत करो, इवन इफ यू सप्रेस रेंट, तुम रेंटल इनकम जानबूझ के कम दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है. एक्सपेक्टेड रेंट इज देयर टू टेक केयर ऑफ यू. मतलब जितना सरकारी वैल्यू है उतना तो आपको भाड़ा लेना ही पड़ेगा. काफी सारा जेन्युइन केस होता है, वो लोग फंस जाता है.
गवर्नमेंट के बुक्स में इस एरिया का भाड़ा अच्छा खासा होना चाहिए, बट उस एरिया में ऐसा कोई घटना घट गया था तो लोग अब उतना भाड़ा नहीं देना चाहते, उस एरिया में रहना नहीं चाहते हैं। तो अल्टीमेटली अगर मैं उस घर पे उस एरिया में अगर घर को भाड़ा में दूं तो क्या होगा, मेरे को कम भाड़ा में देना पड़ेगा। तो मैं भाड़ा कम दे रहा हूं पर अल्टीमेटली आई एम एंडिंग अप पेइंग टैक्स ऑन मोर अमाउंट, क्योंकि हायर लिया जाएगा। तो इसमें क्या है, इस रूल के कारण जो लोग जेन्युइनली जिलों का भाड़ा उतना में नहीं लग पा रहा है या उन लोगों को उतना भाड़ा नहीं मिल रहा है, अननेसेसरीली दे आर पेइंग टैक्स ऑन हाई अमाउंट। लॉ को जब समझ के करोगे ना, रट तो कब सभी सकते हैं। क्यों हायर बोला गया है यहां पे, दिस इज मेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग रेंटल इनकम को सप्रेस करके दिखाते हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स का नुकसान हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट क्या बोला, दिखाओ जितना कम मर्जी दिखाओ, हमको क्या फर्क पड़ता है, एक्सपेक्टेड रेंट तो कम से कम आपको उतना तो टैक्स देना ही पड़ेगा। और एक्सपेक्टेड में भी तीनों सरकार का बात सुन लिया, बोला फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में जो हायर होगा वो, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड रेंट से कम हो सकता है। ये दोनों का जो हायर है वो स्टैंडर्ड रेंट से कम हो सकता है बट ज्यादा नहीं हो सकता। तो यहां पे ज्यादा था, हायर 110, 90 से ज्यादा तो 90 ही लेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। अब ये 9 रुपया महीना, सपोज करो 9 रुपया छोड़ो, 10 रुपया महीना पर मंथ, तो पूरा साल का 1,20,000, इज इट फाइन। हाँ, तो 10 रुपए महीने के हिसाब से भाड़ा कितना हुआ, 120। दो महीना का भाड़ा नहीं मिला मतलब 20 रुपया एक्चुअल आ गया 100। तो 90 और 100 में हायर क्या है, 100 इज जीएवी। नाउ व्हाट इज दिस अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है, अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है बोलो, जो नहीं मिला। तो अनरियलाइज्ड नहीं मिला मतलब उस पोर्शन पे मैं टैक्स नहीं दूंगा। सपोज करो 50,000 रुपए महीना भाड़ा है, मैंने बोला कि एक महीने का भाड़ा नहीं मिला, ऐसे कैसे नहीं मिला, हाउ, तो हम लोगों को क्या करना है, रूल 4 बोल के है, उसका कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। बोला अगर ये सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया इसका मतलब आप अनरियलाइज्ड रेंट पे टैक्स नहीं देंगे। सबसे पहला बोला टेनेंसी बोनाफाइड होना चाहिए, जेन्युइन इन नेचर, गुड फेथ, कोर्शियन, अंडी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। आप लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़े हैं, जो भी डिफॉल्टिंग टेनेंट है वो प्रॉपर्टी खाली कर चुका है,
और स्टेप्स हैव बीन टेकन इन ऑर्डर टू कंपेल हिम टू वेकेट द प्रॉपर्टी, मतलब पुलिस केस वगैरह आपने किया है। डिफॉल्टिंग टेनेंट के पास में आपका और कोई घर नहीं होना चाहिए। राइट और केस किया है मैंने, लीगल प्रोसीडिंग्स हैव बीन कैरिड आउट। इज इट फाइन? मैं सब लिखवाऊंगा, चिंता मत करो। तो अनरियलाइज्ड रेंट पे टैक्स देने का दरकार नहीं है, तो वो एनुअल रेंट से माइनस हो जाएगा। ठीक है, आइए मैं आपको अलग अलग केस करवाता हूं, आप खाली देखिए। ये वाला कॉपी हो गया, साइल हो गया कॉपी? हाँ सर। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट क्वेश्चन में दे दिया। ठीक है, 100, 105, 120, 120, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100, 90, 100,
अस्सी। इसमें हम लोगों को जीएवी निकालना है। तो जीएवी क्या है बोलो? हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। हाँ है ना पक्का? तो सबसे पहले सबका एक्सपेक्टेड रेंट निकालो बोलो क्या होगा। 100 105 में हायर क्या है? 105 105, लेकिन 110 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है। तो 105। 90 और 100 में हायर क्या है? 100, बट रेस्ट्रिक्टेड टू 70। 120 और 100 में हायर क्या है? 120, बट रेस्ट्रिक्टेड टू 120। 120 में हायर 120 सकता है, तो 120 ले लेंगे। 140 और 150 में हायर 150, तो कितना लेंगे? 150, क्योंकि 170 से ज्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है। एक्चुअल रेंट आपको मालूम है, 120, 90, 80, 130, 130। जी ये भी बोलो। हायर होगा ना 120। सर केस 3 में 100 होगा ना, 110 होगा इन यस। दोनों, इन दोनों का हायर रेस्ट्रिक्टेड टू 110। अच्छा ओके ठीक ठीक है। आई गेस दिस इज एब्सोल्युटली फाइन विथ ऑल ऑफ यू, देर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम।
हो गया कॉपी? चलो अनदर एग्जांपल, दिस वाज आल्सो एग्जांपल. ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज रेंट. Tenancy is bona fide. Has vacated or steps have been taken. ठीक है, उस खाली करो बोल के. लीगल प्रोसीडिंग्स ठीक है. सो करना क्या है हम लोगों को, यहां पे मैं आपको दो केस बताता हूं. केस वन, रूल फोर नॉट सेटिस्फाइड. केस टू, रूल फोर satisfied. Expected rent 90, annual rent 10 per month करके 120, अनरियलाइज दो महीने का है, माइनस नहीं होगा. अभी भी टेनेंट आपका प्रॉपर्टी में रह रहा है तो ये अनरियलाइज नहीं माना जाएगा. अनरियलाइज तभी माना जाएगा जब आप उसको खाली करवाएंगे. तो अल्टीमेटली आपका एक्चुअल रेंट कितना आएगा?
120, तो आपका जीएवी कितना है बोलिए? दो महीने का यू आर माइनस होगा, तो तुम्हारा एक्चुअल रेंट 100 आया। देखो तो अल्टीमेटली मेरा जीएवी भी 100 आ रहा है, टैक्स कम रुपया पे लग रहा है। ठीक है ना, तो अननेसेसरीली वी आर पेइंग टैक्स और कुछ नहीं है। सो ये वो है जब प्रॉपर्टी, पहला सिचुएशन डन। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वेकेंट है तो ये था हमारा सिचुएशन वन। वैकेंट प्लस लेट आउट। नाउ ध्यान से सुनना, केस वन, केस टू। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट 100, एनुअल रेंट है 9 × 12, 108। लेस वैकेंसी, सपोज करो 1 महीना, तो 9 रुपया वैकेंसी का आएगा।
राइट, तो 99 आ रहा है मेरा एक्चुअल रेंट, क्लियर। तो जीएबी क्या होना चाहिए बोलो, नॉर्मल रूल क्या बोलता है, व्हाट इज नॉर्मल रूल, हायर ऑफ एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड, नो एक्सेप्शन। इफ इफ एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड ओनली ड्यू टू वेकेंसी, जीएवी इक्वल्स टू एक्चुअल रेंट, दिस इज एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन है। 108 पहले ज्यादा था, वैकेंसी के कारण कम हो गया। अरे खाली रहेगा मतलब हम, मैंने भी बेनिफिट नहीं लिया, प्रॉपर्टी में या तो रहो या भाड़ा दो, ना मैं था ना मैं भाड़ा दे पाया, पड़ा हुआ है किस बात का भैया, इतना टैक्स का चीज का मांगते हो, कमाई धमाई हुआ नहीं टैक्स दे देगा। तो सरकार बोलती है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अगर वैकेंसी के कारण, और इफ वैकेंसी इज द ओनली रीजन, देन नो प्रॉब्लम। सपोज करो एक्सपेक्टेड रेंट 120, एनुअल रेंट 108, वैकेंसी 9, एक्चुअल रेंट 99, बोलो जीएवी कितना होगा, नॉर्मल रूल लगेगा क्योंकि देखो ये पहले से ही कम है, अभी तक तो मैंने वैकेंसी माइनस किया ही नहीं, वैकेंसी लेस करने से और कम होगा, पहले से ही कम है मतलब अदर फैक्टर्स मे बी अनरियलाइज्ड हो, मे बी मैं कम भाड़ा दिखा रहा हूं, पहले ज्यादा बाद में कम तभी एक्सेप्शन लगेगा, याद रखना पहले ज्यादा बाद में कम तभी एक्सेप्शन लगेगा, पहले से ही कम है नो एक्सेप्शन। No exception. Normal rule that is higher.
इज इट फाइन? हाँ या ना? पक्का? एक और केस करा देता हूँ जिससे कि और मजबूती आ जाएगी. लेट आउट भी है, वैकेंट भी है और अनरियलाइज्ड भी है. अनरियलाइज में रूल फोर सेटिस्फाइड. ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट 115. एनुअल रेंट 11 इंटू 12 महीना 132. अनरियलाइज 2 महीना 22. पहले अनरियलाइज लेस होगा, उसके बाद वैकेंसी लेस होगा. 1 महीना 11 तो 99 आ रहा है. बोलो जीएवी कितना होगा? ना तुम क्या देख रहा है, पहले ज्यादा बाद में कम? ना अनरियलाइज देने के बाद देखो, पहले से ही कम है. मैंने यहीं पे बता दिया था. देखो ये किसी कारण भी कम हो सकता है, ये किसी भी कारणवश किसी भी कारणवश ये कम हो सकता है. तो अनरियलाइज के कारण गिर गया, पहले से ही कम है. देखो किस लिए गिरा? वैकेंसी लास्ट में माइनस होगा. वैकेंसी लेस करने के बाद भाड़ा क्या है? पहले से ही कम है ना, तो और कम हो गया. ये देखो पहले से ही कम है और कम हो गया. नॉर्मल रूल लगेगा यहां पे. एनी अदर रीजन हो गया. जस्ट बिफोर वैकेंसी क्या पोजीशन था? कम था तो नॉर्मल रूल. जस्ट बिफोर वैकेंसी ज्यादा था, वैकेंसी के कारण कम हो गया तो एक्सेप्शन लगेगा. मैं एक और देता हूं, करिए आप लोग. रूल फोर सेटिस्फाइड. रूल फोर सेटिस्फाइड तो कितना होगा? 12 होगा. 132
वैकेंसी भी 1 महीना, 12 क्या होगा बोलो? हाँ बोलो। कितना आएगा भाई? टेल मी हाउ मच इट विल बी साहिल। सो 120 होगा। देखो वैकेंसी लेस करने के पहले कितना है? आप बोल सकते हैं ना, पहले ज्यादा बाद में कम। अनरियलाइज के बाद देखिए, इधर में तो अनरियलाइज था ही नहीं केस 1-2 में। पहले ज्यादा बाद में कम, एक्सेप्शन लगा, पहले से ही कम, नॉर्मल रूल। वैकेंसी लेस करने के पहले ही कम है, नॉर्मल रूल। अगर गिरावट इसके नीचे वैकेंसी के कारण आएगी तो ही एक्सेप्शन लगेगा। नहीं एक्सेप्शन है ना, पहले ज्यादा बाद में कम, ओनली ड्यू टू वैकेंसी। इसके नीचे किस किस लिए आया? 132, 130 के नीचे कैसे आया? वैकेंसी लेस के तो ये 120 बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। तो इतना सारा एग्जाम्पल मैंने कराया टंग ट्विस्टर, ये हो जाएगा। अब इसमें और कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है मुझे। तो यहां पे एक्सेप्शन लगेगा। ठीक है, आइए। सो दूसरा वाला केस भी हो गया। अब ये वाला करेंगे, लेट आउट 9 महीना, सेल्फ ऑक्यूपाइड 3 महीना। सिचुएशन 3, पीरियड वाइज लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड। पीरियड वाइज मतलब टाइम वाइज, 12 महीना में 9 महीना लेट आउट, 3 महीना सेल्फ ऑक्यूपाइड। जीएवी इक्वल्स टू हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और इधर में एक्चुअल रेंट नॉर्मल है। अब ध्यान से समझना, पूरे साल का लेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। ये सब पर एनम होता है, ये जितना भी होता है ना, ये सब जो मैंने यहां लिखाया,
दिस इज पर एनम, ये रेंटल अर्निंग कैपेसिटी पर एनम होता है, रेंटल अर्निंग कैपेसिटी पूरे साल का। फॉर लेट आउट पीरियड ओनली, बड़ी नाइंसाफी है लेकिन कुछ कर नहीं सकता, कानून यही बोलती है। जाहिर सी बात है एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा ही आएगा। बड़ी नाइंसाफी है बट क्या करूं, कुछ कर नहीं सकता मैं। ये हम लोग पूरे साल का लेंगे और एक्चुअल रेंट हम लोग लेट आउट पोर्शन का ही लेंगे। नहीं उसे 9 और 3 तो एग्जांपल दिया, 7 और 5 भी हो सकता है। अरे वो वेकेंट है, खाली सुनसान, कोई नहीं है वहां। सेल्फ अकॉर्ड में मैं खुद रह रहा हूं, सेल्फ अकॉर्ड मतलब ओनर हिमसेल्फ रिसाइडिंग। ओनर रिसाइडिंग, वो खाली था, खाली ना भाड़ा ना मैं, यहां पे मैं रह रहा हूं। बड़ी नाइंसाफी है यहां पे, कुछ कर नहीं सकता मैं दोस्त, सॉरी। अच्छा अप्रैल में मैंने भाड़ा दे दिया 20 रुपया महीने में, दिसंबर तक लेट आउट था, जनवरी में वेकेंट था, फिर भाड़ा नहीं लगा तो मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लिया। समझ गया डायग्राम? ये पूरे साल का वो है, दिसंबर तक लेट आउट, जैन में दूसरा टेनेंट खोजा मेरे को मिला नहीं, और फेब और मार्च में खुद रहने लग गया। एक्सपेक्टेड रेंट 250 दिया हुआ है पूरे साल का, तो बताओ GAV इक्वल्स टू क्या? हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट नंबर टू, एक्चुअल रेंट फॉर लेट आउट पोर्शन। मुद्दा मेरा यह है, लेट आउट पोर्शन हुआ, लेट आउट 9 महीने के लिए हुआ है, वैकेंसी को किसमें इंक्लूड किया जाएगा? वैकेंसी विल बी इंक्लूडेड इन विच पार्ट? ये सब एग्जाम में पैराग्राफ फॉर्म में देगा, 1 अप्रैल को ऑन 1st अप्रैल आई हैव रेंटेड द प्रॉपर्टी एट अ मंथली रेंट ऑफ 20,000 एंड द टेनेंट वेकेटेड ऑन डिसंबर, इन द मंथ ऑफ जनवरी इट वाज वेकेंट एंड फ्रॉम फेब आई हैव सेल्फ ऑक्यूपाइड इट।
वेकेंट किस में आएगा, इसमें आएगा कि इसमें आएगा माय डियर फ्रेंड? लेट आउट पोर्शन 10 महीना माना जाएगा। इसका मतलब 20 × 10 = 200। वही गेम, वैकेंसी 1 महीना, 20 आया 180। पहले से ही कम है, नॉर्मल रूल लगेगा। अगर सपोज करो एग्जाम का मैं प्रश्न बदल दूं, प्रश्न बदल के मैं इसको 190 कर दूं, तो जीएवी कितना होगा? सपोज करो मैं एक्सपेक्टेड एंड को बदल दूं, वन एट्टी, पहले ज्यादा बाद में कम, एक्सेप्शन लग जाएगा। जस्ट बिफोर वैकेंसी क्या है उससे कंपेयर करेंगे। इज इट ओके एवरीवन? चलिए अब हम लोग का है सिचुएशन 4। एरिया वाइज लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड। याद रखना एक चीज, कंसिडर प्रॉपर्टी एज टू यूनिट्स, वन लेट आउट अनदर सेल्फ ऑक्यूपाइड। कंसिडर प्रॉपर्टी एज टू यूनिट्स, एक को लेट आउट मान लो और एक को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो। ऐसा होने से क्या होगा मैं आपको बताता हूं। एक्सपेक्टेड रेंट, म्यूनिसिपल टैक्स, इंटरेस्ट ऑन लोन शैल बी डिवाइडेड बिटवीन द टू यूनिट्स ऑन द
बेसिस ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड हैशटैग हाउएवर एक्चुअल रेंट इज फॉर लेट आउट पोर्शन ओनली. एक्चुअल रेंट खाली लेट आउट पोर्शन का ही है. एक्चुअल रेंट इसी पोर्शन का है, बाकी सब चीज पूरे प्रॉपर्टी का बोल के दो हिस्सा में डिवाइड कर दो. इज इट फाइन? और लेट आउट पोर्शन सब आधा आधा, अगर इक्वली डिवाइडेड है तो आधा आधा हो जाएगा. हाँ, जैसे मैं आपको बताता हूं, एक सिंपल कैलकुलेशन करवा रहा हूं. सपोज करो ये प्रॉपर्टी है, इसके दो हिस्से हो गए हैं, एक पोर्शन लेट आउट है, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड. ये हमारा यूनिट वन इक्वल है, दोनों साइज इक्वल है, ठीक है. पूरा पूरा का एक्सपेक्टेड रेंट है 500, म्यूनिसिपल टैक्स सपोज करो 50, इंटरेस्ट ऑन लोन सपोज करो 80, और एक्चुअल रेंट तो खाली इसी का होगा 300, म्युनिसिपल टैक्स 60 पकड़ लो. ठीक है, तो अपन को करना क्या है, ध्यान से देखना. यूनिट वन सेल्फ ऑक्यूपाइड, यूनिट टू लेट आउट. अच्छा, अगर मान लो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट दे, तो पहले एक्सपेक्टेड निकाल लो, उसके बाद आधा आधा करना. तीनों का आधा आधा करने का दरकार नहीं है, समझ गया. तो मैं आपको पूरा कंप्यूटेशन ही करवाऊंगा इस क्वेश्चन का, जस्ट सिंपल एक कैलकुलेशन है. सपोज करो एक्सपेक्टेड रेंट 250, 250, आधा आधा हो गया. हाफ है ना इक्वल, 50%, 50%. यहां नॉट एप्लीकेबल है, इधर 300.
इनका हायर जीएवी लिया जाएगा, सेल्फ ऑक्युपाइड का नील होता है, इसका 300 अगर सेल्फ ऑक्युपाइड नील है तो म्युनिसिपल टैक्स भी नील होगा, तो इस पोर्शन का आधा म्युनिसिपल टैक्स कितना होगा, 30 डिडक्टिबल होगा, एनएवी नील 270 डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% ऑफ नैव नील 81 इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होगा, मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड अगर तुमने लोन लेके खरीदा है तो वो तुम्हारा लॉस क्रिएट करके देगा बुक्स में, और इस लॉस को तुम अपना प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हो। इफ आई हैव लॉस फ्रॉम वन सोर्स प्रॉफिट फ्रॉम अनदर सोर्स सेट ऑफ करके नेट प्रॉफिट पे टैक्स देंगे। दिस इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसका 40 नेगेटिव, इसका कितना आ रहा है 149। सो नेट इनकम इज 109। सर बहुत सिंपल है, पूरे प्रॉपर्टी का एक्सपेक्टेड मैंने क्या बोला था, देखो एक्सपेक्टेड रेंट म्युनिसिपल टैक्स इंटरेस्ट ऑन लोन डिवाइड हो जाएगा एरिया ऑक्युपाइड, एक्चुअल रेंट लेट आउट पोर्शन का ही होता है, तो पहले आधा आधा कर लिया, एक्सपेक्टेड रेंट हाफ हाफ हो गया, म्युनिसिपल टैक्स हाफ हाफ हो गया, हालांकि यहां माइनस क्यों नहीं हुआ क्योंकि ये नील है, इंटरेस्ट ऑन लोन हाफ हाफ हो गया, बाकी नॉर्मल कंप्यूटेशन है, एक्चुअल रेंट इसी का होता है, तो इन दोनों का हायर क्या है, इन दोनों का हायर, फिर उससे म्युनिसिपल टैक्स लेस हो गया एनएवी, इसका 30% माइनस, सिंपल कैलकुलेशन है। मैंने इस पर्टिकुलर केस का पूरा इसीलिए करवाया है क्योंकि अब हम लोग सम्स प्रैक्टिस करेंगे, बाकी केसेस में भी यही होता, जीएवी आ गया लेस म्युनिसिपल टैक्स लेस एनएवी आता लेस स्टैंडर्ड लेस इंटरेस्ट, इसमें एक सिंगल सिंगल कैलकुलेशन है इन सब में, लेकिन इसमें डबल कैलकुलेशन था, तो केस 4 और 5 मैंने साथ में करवा दिया आपको। सर 5 तो आपने करवाया ही नहीं, मैंने क्या बोला सेल्फ ऑक्युपाइड में एनएवी नील होता है, और 2 घर तक का एनएवी आप नील ले सकते हैं, उसके ऊपर बाकी जितना भी घर है सबको डीम टू बी लेट आउट माना जाएगा, राइट। सबका हो गया ये वाला, साइल कॉपी हो गया? हाँ सर। नाउ लास्ट सिचुएशन 5 सेल्फ ऑक्युपाइड अप टू 2 हाउस एनएवी नील लेस इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी, यही होगा ना, अबव 2 हाउसेस 2 घर के ऊपर क्या होगा,
डीएलओ डीम टू बी लेट आउट माना जाएगा, हाँ या ना? मतलब भाड़ा दिया नहीं है बट डीम टू बी लेट आउट माना जाएगा। तो जीएवी क्या माना जाएगा यहां पे? जीएवी होता है एक्चुअल और एक्सपेक्टेड का हायर, बट ये तो एक्चुअल में भाड़ा लगा ही नहीं है, मानो कि भाड़ा लगा है तो एक्सपेक्टेड रेंट यहां पे जीएवी माना जाएगा, फिर बाकी कैलकुलेशन नॉर्मल। मतलब अननेसेसरीली मेरे को एक्सपेक्टेड रेंट जितना टैक्स देना पड़ेगा। राइट दोस्तों, ये जो मैंने पढ़ाया है अभी तक इस चैप्टर में, दिस वॉज इट। हालांकि अभी बहुत सारे बातें करने हैं हम लोगों को, लेकिन कहने का मतलब क्या है, मैं जो भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को वो सारा चीज घर पे देन एंड देयर प्रैक्टिस करना है। इनकम टैक्स सीखना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, मजाक नहीं कर रहा मैं। और मेंटर आपको सही मिला है, इसमें कोई दोराए नहीं है। प्लीज 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 जो भी मैंने आज पढ़ाया उसको घर जाकर पढ़िए, आने वाले क्लासेस में हम लोग फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।